बहराइच में हुए बवाल के बाद स्थितियां इस वक्त और तनावपूर्ण बनी हुई हैं। इस वक्त मैं बहराइच के महसी तहसील के सामने मौजूद हूं और आप देखिए जिस युवक की मौत हुई है उस युवक की लाश को इस तरफ में रख करके ग्रामीणों ने पूरा जो एरिया है उसको पूरी तरीके से घेर लिया है। आप इस वक्त जो यहाँ की SP हैं वृंदा शुक्ला वो भी देखेंगी, जो पीड़ित के परिजन हैं उनसे बातचीत कर रही हैं और उनको समझाने की कोशिश कर रही हैं कि वो जो अंतिम संस्कार है वो सही से कराएं। लेकिन आप देखिए सामने की तरफ में ये जो एक हजारों का जो हजूम है ये गांव के लोग हैं और ये वो आक्रोशित लोग हैं जिनके परिजन कल हताहत हुए हैं। जो लोग कल यहाँ पर जो लोग चोटिल हुए हैं उनके परिजन कहीं ना कहीं यहाँ पर आक्रोशित रूप में यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। उनके हाथों में लाठी डंडा भी है क्योंकि उनका कहना है कि कल जब ये घटना हुई तो जो दूसरे पक्ष के जो लोग थे उन्होंने अपने घर में तो ले जा करके गोलियां मारी ही मारी, उनके हाथों में लाठी डंडे इस तरीके से चापड़ और तमाम चीज़ें कल उन्होंने हिंदुओं पर वार किया। ये तमाम चीज़ें कल शाम को हुई और उसके बाद जो स्थिति थी कहीं ना कहीं तनावपूर्ण थी। फिलहाल जो पोस्टमार्टम है वो हो चुका है और आज अंतिम संस्कार होना था लेकिन अंतिम संस्कार के पहले ग्रामीणों ने मैसी तहसील के पास बॉडी रख के इस पूरे एरिया को जो इस पूरे एरिया में जो है वो जाम लगाया हुआ है। ABP गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।